पिछले लेक्चर में आपने देखा पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है, और आखिर इन पुनर्जागरण जो हुआ, ये इतनी बड़ी घटना हुई, इसका कारण क्या था, किस कारण आखिर लोगों को ये चेतना आई और इसके क्या क्या कारण रहे, ये सारी चीजें आपने देख ली। उससे अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करें, हम देख लेते हैं कि आखिर इटली में ही पुनर्जागरण सबसे पहले क्यों प्रारंभ हुआ। तो हेडिंग डाल लेंगे इटली इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई। क्यों हुई, ठीक है, ये हेडिंग है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, हाँ मैंने एक चीज और बोली थी कि आप मैप में जरूर देख लेंगे तुर्की के, आपने देखा है कहां पर है, आशा है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। देखिए अगर आप सोचोगे कि सारे देशों की, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, मैपिंग पढ़ोगे, तो आप सोचोगे कि सारे देशों की लोकेशन आपको एक साथ याद हो जाए, एक साथ याद नहीं होगी, लोकेशंस और भी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी वो ऐसे ही याद होती। जैसे मैंने बोला था आपको तुर्की देश देख लेना कि मैप पर कहाँ है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, किस महासागर के आसपास है, ये चीज़ें देखने को मैंने कही थी, शायद आप लोगों ने देखी भी हो। आपको देखना है अब इटली, आप देख लेंगे इटली मैप में कहां पर स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, आप ये तो पता हो गया होगा क्योंकि आप यहां पर यूरोप यूरोप ही पढ़ रहे हो, तो इटली यूरोप में ही होगा। आप देख लेंगे किस महासागर, मैं भी आगे बता दूंगी किस महासागर में, उस महासागर की भी लोकेशन आप देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, अन्य यूरोपीय देशों से क्यों नहीं हुई, वहां पर भी तो हो सकती थी, ठीक है। सबसे पहला कारण क्या था, जो इटली देश है, इटली काफी समृद्धशाली देश था उस समय पर, आज भी है लेकिन उस समय पर इटली बहुत ज्यादा समृद्धशाली देश था, ठीक है। यहाँ पर जो खेती की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी उपज होती थी यहाँ पर। और एक और बात थी, आप देखेंगे तो इटली का पोर्शन आपको यूरोप में थोड़ा सा ऐसा मिलेगा, और यहां पर ये है भूमध्य सागर। तो जो भी क्षेत्र, अब हमारे भारत की ही अगर बात की जाए तो मुंबई से सर्वाधिक व्यापार होता है, गुजरात से सर्वाधिक व्यापार होता है, जो भी हमारे तटीय राज्य है, जैसे कि तमिलनाडु, तटीय का मतलब होता है कि जो राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं, ठीक है, मुंबई है यहाँ पर, ये भी बनाता है, गुजरात है यहाँ पर, ये भी बनाता है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो जहाँ जो जो राज्य तटीय क्षेत्रों में स्थित है, सारे राज्यों में स्थित है बंदरगाह। जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या स्थित है, सारी जगह बंदरगाह, कांडला बंदरगाह यहाँ पर, मुंबई, गोवा में भी है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ सारी जगह, यहाँ पर हल्दिया, कोलकाता में, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये है तटीय राज्य, और तटीय राज्य होने की वजह से देखिए व्यापार अधिकाधिक, सर्वाधिक व्यापार जो होता है, अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक व्यापार जल मार्ग से होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, ठीक है। तो जल मार्ग के द्वारा चूंकि व्यापार है, यह है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है अरब सागर। अब ये क्षेत्र है तटीय, जो राज्य है वो स्थित है तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पर स्थित है बंदरगाह। अब बंदरगाह के द्वारा, बंदरगाह एक स्टॉपेज होता है, कोई भी जलयान आता है, जैसे कि अगर हम बात करें हवाई अड्डा क्या होता है, हवाई अड्डा जा करके, सॉरी प्लेन जो है, जो भी वो परिवहन का साधन है, परिवहन के द्वारा वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, और आकर के हवाई अड्डे में इसका क्या होता है, स्टॉपेज होता है। बस स्टॉप का क्या काम होता है, वहां पर बसों का स्टॉपेज होता है। रेलवे स्टेशन का क्या काम होता है, वहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। इसी प्रकार बंदरगाहों का काम होता है, ये जलयानों का स्टॉपेज है। जलयान यहां पर क्या होते हैं, आकर रुकते हैं और अपना माल यहां से, इनका माल जो होता है, जो दूसरे देशों से लाया जाता है, वो यहाँ पर उतारा जाता है, और जो भी अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर माल उतारा जाता है आकर के, और अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहीं से माल की लोडिंग की जाती है, ठीक है। क्यों की जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये तटीय है और एकदम ये महासागरों से टच कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से क्या है, जल मार्ग के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, क्योंकि ये तटीय राज्य है, तटीय क्षेत्र है। इसी प्रकार
इटली जो है यह भी क्या है, भूमध्य सागर से एकदम सीमा बनाता है। सीमा बनाने से क्या होगा, यह मार्ग का कार्य करेगा। यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, आयात किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा, जो भी कुछ कार्य होंगे ये सारे सागर के द्वारा किए जाएंगे और सागर से ये डायरेक्ट चले जाएंगे इटली में। मतलब परिवहन का अच्छा साधन था यहाँ पर, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, भौगोलिक स्थिति इतनी सुदृढ़ थी इसकी कि ये भूमध्य सागर के मध्य में स्थित था और मध्य में स्थित होने के कारण व्यापार जो था यहाँ पर काफी ज्यादा समृद्ध हो चुका था, ठीक है। बहुत आसानी से जल यान जो है यहाँ पर पहुंच जाते थे, ठीक है। किसके माध्यम से, भूमध्य सागर के द्वारा। यहाँ से जो भी चीजें एक्सपोर्ट करनी होती थी, निर्यात करनी होती थी, वो सारी चीजें भेज दी जाती थी, ठीक। अब क्या था, व्यापार में वृद्धि होती गई धीरे धीरे यहां पर इटली में। व्यापार में वृद्धि के कारण इसको दोहरा लाभ हुआ, व्यापार में वृद्धि के कारण इटली को दोहरा लाभ हुआ। क्या दोहरा लाभ हुआ, देखिए व्यापार में वृद्धि हुई इसका मतलब क्या है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई। आया समझ में, सारी जरूरत की चीजें यहां पर पहुंचने लगी और जो भी इनके पास एक्स्ट्रा था वो अन्य देशों को निर्यात भी किया करते थे, निर्यात भी ये करने लगे, ठीक। पहला फायदा तो ये हो गया, अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया इसके। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि जो यहाँ का व्यापारी वर्ग था, देखिए व्यापारियों का काम क्या होता है, व्यापार कैसे करते हैं वो, उन्हें कहीं और जाना पड़ता है, कई अन्य देशों में जाना पड़ता है, ठीक है, वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। तो यहाँ का जो व्यापारी था वो जाता था दूसरे देशों में। जो दूसरे देश के व्यापारी थे, आप इनको कुछ इम्पोर्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ये व्यापारी इनका जा रहा है। अब इनको कुछ एक्सपोर्ट करना है, मतलब उनको कुछ निर्यात करना है, तो दूसरे देश को जो, अगर हम मान लेते हैं भारत की बात करते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, भारत में मसाला बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, सबसे ज्यादा। अब मसाला भारत को निर्यात करना है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई व्यापारी यहाँ से आएगा भारत में, ठीक है, खरीदने के लिए, क्योंकि उनको जरूरत है। अब यहाँ से आएगा व्यापारी भारत में और वो भारत की संस्कृति को देखेगा। भारत में सबसे ज्यादा मसाला होता है केरल में, हम मानते हैं कि यहाँ का व्यापारी आएगा केरल में। अब केरल की वो संस्कृति को देखेगा, वहां के लोगों से मिलेगा, ठीक है, मेल मिलाप होगा उनका वहां के लोगों से और बहुत कुछ सीखेगा और उसको भी ये लगेगा कि यहाँ पे जो भी संस्कृति है, लोग इतना मिलजुल कर रह रहे हैं, लोग स्वतंत्र होकर रह रहे हैं, तो हम भी अपने देश में स्वतंत्र ही रहेंगे। आया समझ में। उसके बाद क्या हुआ, अब हम मानते हैं कि भारत को किसी चीज की जरूरत है, हम मान लेते हैं भारत को गेहूं की जरूरत है। अब भारत का व्यापारी गया कहाँ पर, इटली में गेहूं लेने, मतलब बात करने, ये नॉर्मल है, मतलब एग्जांपल के लिए मैं केवल बोल रही हूँ। अब गेहूं के लिए गया इटली में, अब यहाँ पर आएगा कौन सा, भारत का व्यापारी। अब एक तो कोई अकेला जाता नहीं था, कई सारे ग्रुप में जाते थे लोग। अब यहाँ पर जब वो आएगा, अब उन लोगों का भी कल्चर, अब भारत वाले भी अपना कुछ कल्चर वहाँ पर, देखिए कोई भी इंसान कहीं पर चला जाए अपनी संस्कृति अपनी कल्चर नहीं भूलता, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आई जाती हैं, ठीक है। तो उनका भी इटली वालों के साथ मेल मिलाप हुआ, ठीक, संस्कृति साथ में रहते रहते क्या हुआ, उन लोगों ने उनकी संस्कृति को भी देखा कि आखिर भारत की संस्कृति क्या है, ठीक है। मैं केवल भारत की बात यहाँ पर केवल एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे देश थे। आ गया समझ में। तो पहला फायदा तो अर्थव्यवस्था उनकी क्या हुई, एकदम सुदृढ़ हो गई, इतना ज्यादा यहाँ पर व्यापार होता था। व्यापार के अलावा यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त थी, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। और दूसरा फायदा ये हुआ कि मेल जोल बढ़ गया, अन्य देशों से व्यापार के माध्यम से मेल जोल बढ़ गया। आगे समझ में। तो पहला इसका क्या कारण था, आखिर इटली में ही क्यों शुरुआत हुई, इटली में इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि ये भूमध्य सागर के मध्य में स्थित था, इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि व्यापार के लिए एकदम उन्नत अवस्था में ये जो स्थिति थी इसकी, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, अनुकूल व्यवस्था उपलब्ध करा रही थी, इसकी स्थिति अनुकूल थी व्यापार के लिए, ठीक है। अब
व्यापार से, मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ, उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ। व्यापार से इनको दोहरा फायदा था। क्या क्या फायदा था? पहली तो व्यापार के कारण की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई, और दूसरी मेल जोल बढ़ता चला गया, और यहाँ के लोग दूसरे देशों की संस्कृति को और वहाँ के जो भी चीजें थी, लोगों का रहन सहन, लोगों का ढंग, मिलने का ढंग, लोगों का जीवन जीने का स्तर, ये सारी चीजें इनको पता चलने लगी। ठीक है, तो पहला कारण हम लिख लेंगे भौगोलिक अवस्थिति। पहला कारण लिख लीजिए भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने व्यापारी वर्ग कहां पर निवास करता है, तो व्यापारी वर्ग हमेशा शहरों में निवास करता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई गांव है, हम मान लेते हैं कि कोई गांव है, अब इसके आसपास कोई शहर नहीं है। अब व्यापार करना है किसी व्यक्ति को, अब किसी, मान लेते हैं ये जो व्यक्ति है इसके पास कोई भूमि नहीं है, कृषि करने के लिए कोई भूमि नहीं है, अब ये अपना पेट कैसे चलाएगा, अपने परिवार का पेट कैसे चलाएगा। इसके लिए अब इसने सोचा कि हम व्यापार करते हैं। आ रहा है समझ में? अब ये व्यापार करेगा, इसके आसपास कोई शहर ही नहीं है कि ये चला जाए व्यापार करने के लिए। ठीक है भी तो बहुत दूर है, और बहुत दूर होने के अलावा इसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी सही नहीं है कि वो दूर पर जाकर, दूर में जाके और बस जाए और व्यापार करना अपने स्टार्ट कर दे। इसने क्या किया, छोटी सी पूंजी इकट्ठा की, और इकट्ठा करके अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। यहाँ पर हम मान लेते हैं किराने की दुकान खोल ली यहाँ पर। ठीक है, एक कोई और व्यापारी था, उसने भी इसे देखा कि मतलब इसका अब ठीक ठाक सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, मुझे भी यही करना चाहिए। उसने भी एक दुकान खोल ली कपड़े की। एक और व्यापारी आया, उसने यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी भी चीज़ की सब्जी की दुकान खोल ली। ठीक है, और ऐसे करते करते क्या हुआ, एक कस्बा सा मेंटेन हो गया। देखिए कस्बा किसे कहते हैं, शहर से थोड़ा छोटा हो, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो, सारी दुकानें उपलब्ध हो, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो, लेकिन जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो भी हमें ज़रूरत की वस्तुएं हमें यहाँ पर मिल जाए, कस्बा उसी को कहते हैं। धीरे धीरे ये क्या हो गया, कस्बे का निर्माण हो गया, इतनी सारी दुकानें हो गई। दुकानों से क्या होगा, जहाँ पर दुकानें होंगी वहाँ पर भीड़ होगी, भीड़ बढ़ी, या भीड़ से क्या हो गया, एक कस्बे का निर्माण हो गया। समय जाता गया, समय बढ़ता गया, धीरे धीरे और भी दुकानें होने लगी। ठीक है, लोगों के रहन सहन का स्तर धीरे धीरे सुधरने लगा, ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश के समान होने लगा। ठीक है, कई सालों के बाद सब हर जगह, हम मान लेते हैं हर जगह सुविधाएं बढ़ने लगी इसके आसपास। जब यह एक बड़े मात्रा में हो गया, बड़े क्षेत्र में हो गया, तो इसी क्षेत्र का नाम दे देते हैं शहर या नगर। ठीक है, गांव का बड़ा रूप होता है कस्बा, और कस्बे का, कस्बे से अगर थोड़ा विकास हो जाए तो वो मान लिया जाता है शहर। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर इटली में व्यापार तो होता ही था, अब व्यापार के कारण जो इटली से, इटली के अंदर जो भी ग्राम था, देखिए इटली एक देश है, और देश के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ भारत एक क्या है, देश है, और भारत के अंदर कई सारे राज्य हैं। आया समझ में? अब राज्य के पहले क्या था, जब राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, हमारा जो भारत है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है, मतलब ग्राम सबसे ज्यादा होंगे, ग्राम से ही हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, कृषि से ही अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। ठीक है, इसी प्रकार इटली एक देश था, और यहाँ पर भी बहुत सारे गाँव रहे होंगे, आगे समझ में, लेकिन इसकी भौगोलिक अवस्थिति के कारण व्यापार काफी सुलभ हो गया, व्यापारी वर्ग बढ़ने लगा। व्यापारी वर्ग बढ़ने से क्या हुआ, शहर का निर्माण होने लगा। आ रहा है समझ में? व्यापारी वर्गों के बढ़ने से शहर का निर्माण हो गया, और इटली में वेनिस, फ्लोरेंस आदि जैसे शहर क्या होने लगे, बनने लगे। शहरों के निर्माण से क्या हुआ, मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस जैसे बड़े शहरों का निर्माण होने लगा व्यापारी वर्ग के बढ़ने के ही कारण। ठीक है,
अब शहरों का निर्माण हुआ है तो शहरों में क्या होता है, देखिए गांव और शहर में क्या अंतर होता है। शहरों में क्या होता है कि गांवों में हमें केवल अभी भी सारे गांवों, अगर हम भारत के गांवों की बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत आवश्यकताएं पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। तो अगर हम शहर की बात करें तो शहर में हमें सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर और भी कोई चीज, यही चीज नहीं मिलती है गांवों में, ठीक है। इतना ही अंतर होता है गांव और शहर में। अब क्या होगा, व्यापारी वर्ग बढ़ने से क्या हुआ, शहर का निर्माण हुआ। अब जब शहर हुआ तो शहर का मतलब क्या है, शहर का मतलब यही है कि वहां पर विद्यालय खुलने लगे, महाविद्यालय खुलने लगे, संग्रहालय खुलने लगे, पुस्तकालय खुलने लगे, ठीक है। तो इन शहरों में क्या हुआ, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्कूल या विद्यालय, कॉलेज, इन सब की स्थापना होने लगी। अब इन सब की स्थापना से क्या होगा, लोग क्या है, जागरूक होंगे। देखिए अगर पुस्तकालय की बात की जाए तो पुस्तकालय में लोग जाकर के नई नई पुस्तकें पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, ठीक है। स्कूल कॉलेज में जाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। हमें स्वतंत्र होकर रहना चाहिए, हमें किसी के बंधन में नहीं रहना चाहिए, तो ये सारी चीजें सीखेंगे और इससे क्या होगा, लोगों में स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने से क्या होता है, जो किताबी ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान तो मिलता ही है स्कूलों में, लेकिन और भी बहुत कुछ मिलता है स्कूल और कॉलेजेस में। इसीलिए बच्चों को बचपन से स्कूल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों का क्या हुआ, यहाँ पर लोगों का बौद्धिक विकास होने लगा और लोग अपने हित और अनहित को समझने लगे। इस कारण से भी इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो दूसरा कारण आप क्या लिखेंगे, नगरों का विकास या नवीन शहरों का विकास, नवीन शहरों का विकास। आगे समझ में, अब देखिए आगे क्या होता है। एक शब्द आता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग शब्द जो है वो फ्रांस की क्रांति का मुख्य आधार रहा था। मध्य वर्ग, आप फ्रांस की क्रांति जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्यापारी वर्ग बढ़ने के कारण, अब व्यापार की स्थिति अच्छी थी तो व्यापारी वर्गों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, और व्यापारी वर्ग बढ़ने के कारण एक मध्य वर्ग का उदय हो जाता है। व्यापारी वर्ग ही एक मध्य वर्ग कहलाता है, हम ये भी मान के चल सकते हैं। मध्य वर्ग कौन सा वर्ग था, देखिए मध्य वर्ग एक ऐसा वर्ग था, आप फ्रांस की क्रांति में भी ये चीज देखोगे, मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। सारे व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे जो लोग थे वो मध्य वर्ग के ही लोग थे, ठीक है। इनकी क्या थी, ये शिक्षित भी थे, इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। अब देखिए जैसे हम व्यापारी की बात करें तो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन समाज में उनको वो स्थान प्राप्त नहीं था जो उन्हें मिलना चाहिए था। समाज में उन्हें जिस प्रकार से किसान, कृषक और मजदूर वर्ग को दिया जाता था, जो भी स्थान दिया जाता था वही स्थान मध्य वर्ग को भी दिया जाता था। आ रहा है समझ में, इस कारण मध्य वर्ग क्या, अब किसान जो था और मजदूर वो तो शिक्षित थे नहीं, उन्हें तो पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ ये मतलब एकदम से नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, पता था लेकिन वो अपनी आवाज नहीं निकालना चाह रहे थे, आवाज निकालने में वो डरते थे, ठीक है। और डरना लाजमी भी है क्योंकि अगर वो किसान वर्ग, हम मानते हैं यदि कोई सामंत किसान से कर वसूल रहा है और इसने क्या कर दिया, मना, तो समाज से निकाल दिया जाएगा किसान को। बस इस डर से किसान कुछ भी बोल नहीं पाता था, लेकिन मध्य वर्ग शिक्षित था और उसे सारी जानकारी थी कि हमें क्या करना है और किस तरीके से हम अब स्वतंत्र हो सकते हैं। तो क्या हुआ, व्यापारी वर्ग बढ़ने से एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, और इस मध्य वर्ग को, जो ये मध्य वर्ग तैयार हुआ, इस मध्य वर्ग को पोप जो था, चर्च पोप, उन लोगों की जो भी चीजें थी, जो भी वो जबरदस्ती मनवाते थे, वो सारी चीजें उन्हें मंजूर नहीं थी। आ रहा है समझ में,
मध्य वर्ग को पोप और चर्च की, पादरियों की, सामंतों की ये सारी चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो शिक्षित थे और वो जानते थे कि किसान और मजदूर वर्ग नहीं कह रहा है केवल डर के मारे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि हम कहां था। हम अगर संगठित हो जाएं, सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट चीजें हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर ये है कि संगठन का अभाव था। अगर कोई किसान तैयार भी होता था आवाज उठाने के लिए और दूसरा किसान नहीं तैयार होता था कि हमें समाज से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सामंत एक था लेकिन यहाँ पर किसानों की संख्या 50 थी। अगर ये 50 मिल करके और इसके खिलाफ चले जाते तो इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये इनको हरा पाए, एक अकेला सामंत, ठीक है। बस यही था कि ये सारे एकजुट नहीं होते थे, इनमें संगठन का अभाव था। वही कार्य किया मध्य वर्ग ने, मध्य वर्ग ने सभी को संगठित कर दिया। आगे समझ में, ये जो संगठन वाली बात है ये फ्रांस की क्रांति में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य वर्ग को क्या था, ये जकड़न भरी जिंदगी मंजूर नहीं थी और इसलिए उसने क्या किया, धीरे धीरे पोप, पादरी और ये जो चर्च व्यवस्था थी इसकी धीरे धीरे अवहेलना करनी शुरू कर दी। अवहेलना मतलब अस्वीकार, जो भी पादरी कहता था उनकी बातों को अस्वीकार करना, जो भी नियम कानून बनाए गए थे उन सारी चीजों को अस्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। और उसके अलावा क्या किया, बहुत सारे विद्वानों को प्रश्रय देना शुरू कर दिया। विद्वान जैसे दांते, पेटॉर्क, विद्वानों, साहित्यकारों, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, तो इन सबको प्रश्रय देना शुरू कर दिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो इनकी सही थी, केवल सामाजिक दशा इनकी इतनी कि हर चीज को, हर पहलू को, क्योंकि आप मेंस लिखने जा रहे हो तो हर पहलू को आप तीन भागों में बांटकर देखा करो। कौन कौन से भागों में, एक सामाजिक दशा, खासतौर पर हिस्ट्री में, एक आर्थिक दशा और एक राजनीतिक दशा, ठीक है। हम मध्य वर्ग की अगर बात करते हैं कि सामाजिक दशा कैसी थी, सामाजिक दशा मतलब समाज में उनको स्थान कैसा प्राप्त था, ठीक है। उन्हें सामंत और कुलीन वर्ग जो थे उनको क्या वैसा अधिकार दिया जाता था, या उनको मजदूर और किसान जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था, जैसे किसान और मजदूर के साथ जो भी व्यवहार, क्या वही व्यवहार मध्य वर्ग के भी साथ किया जाता था, तो ये चीज आ जाएगी उसकी सामाजिक दशा में। आर्थिक दशा में क्या आएगा कि उनकी आर्थिक स्थिति का अर्थ है, हम मनी की अगर बात करें, पैसों की बात करें, तो क्या वो पैसों से भरपूर थे, क्या उनके पास पैसे थे, ठीक है। पैसों के अलावा जायदाद, जमीन, भूमि, कृषि के लिए भूमि, ये सारी चीजें आ जाती है आर्थिक दशा में। राजनीतिक दशा में क्या आता है, राजनीतिक दशा में जैसे कि अगर हम इस टाइम की बात करें, मध्यकाल की अगर हम बात करें, तो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर सबसे अच्छी स्थिति किसकी थी, सामंत और कुलीनों की स्थिति थी, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं राजनीतिक दशा में, राजनीतिक स्थिति भी इनकी ज्यादा ठीक नहीं थी। आगे समझ में, तो हम मध्य वर्ग की बात कर रहे थे, तो अगला कारण आप क्या लिख सकते हैं, मध्य वर्ग का उदय। अगला कारण लिखेंगे मध्य वर्ग का उदय। मध्य वर्ग के उदय से क्या हुआ, व्यापार, देखिए व्यापारियों की वृद्धि होती गई और उन्हीं व्यापारियों में से एक मध्य वर्ग उभर कर सामने आता है। और इस मध्य वर्ग का क्या था कि आर्थिक स्थिति से ये संपन्न थे कि उनकी सामाजिक दशा और राजनीतिक दशा सही नहीं थी। इसके अलावा इस मध्य वर्ग ने कई सारे विद्वानों को प्रश्रय दिया, कई सारे विद्वानों को आश्रय दिया, जैसे दांते, पेटॉर्क, लियोनार्डो दा विंची इत्यादि जैसे विद्वानों को आश्रय दिया। और इन विद्वानों ने जो भी रचनाएं की, इनकी रचनाओं को पढ़ करके लोगों के अंदर बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, ठीक है। इन विद्वानों ने भी बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है पुनर्जागरण में। आगे समझ में, तो ये हो गया आपका अगला कारण मध्य वर्ग का उदय। अब आगे, जैसा कि आपने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में कि कस्तुन्तुनिया पर हो जाता है तुर्कों का अधिकार। कस्तुन्तुनिया अगर हम पहले की बात करें तो कस्तुन्तुनिया में जो पहले लोग रह रहे थे वो थे यूनानी लोग। जैसे ही, और कस्तुन्तुनिया आप सभी को पता है कि शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, कला का बहुत बड़ा केंद्र था, साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र था,
आ गया समझ पे? कस्तुंतुनिया शिक्षा कला साहित्य इन सब चीजों का बहुत बड़ा केंद्र था। जैसे ही तुर्कों का अधिकार हो जाता है वहां पर कस्तुंतुनिया में, तो जो कस्तुंतुनिया के पहले से ही रहने वाले यूनानी वर्ग थे, सॉरी जो यूनानी लोग थे, उनको भागकर कहाँ आना पड़ा? इटली के देशों में बसना पड़ा। इटली के देश कौन कौन से? वही सॉरी इटली के क्षेत्रों में कौन कौन से? वही वेनिस, फ्लोरेंस, ये सारे सिटियां जो थी। ठीक है, तो जो भी वहां से भाग करके आए कस्तुंतुनिया से, जो भी यूनानी विद्वान भाग करके आए, उन्होंने क्या किया? अपनी विभिन्न कृतियां की। कृतियों के अलावा वहां के विद्यालयों, महाविद्यालयों, इन सब जगह, चूंकि वो विद्वान थे, काफी विद्वान थे, तो विद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हें शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, आप शिक्षक के रूप में भर्ती करेंगे मतलब लोगों को क्या करेंगे? आगाह करेंगे। सॉरी, आगाह का मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा विद्यालय जाता है तो टीचर उन्हें क्या सिखाते हैं? जो सही चीजें होती है वही सिखाते हैं, सही मार्गदर्शन ही देते हैं विद्यालयों में शिक्षक। ठीक है, वही मार्ग, जैसे आप पढ़ते हैं, अगर आप जाओगे स्कूल, अभी जैसे आप बचपन में कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है, आप हर चीज को सोचते थे, मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, आप हर चीज को सोचते थे कि ये नियम ही है, मम्मी पापा की बातें माननी है, मम्मी पापा के अंडर में ही रहना है, हमेशा मम्मी पापा से बताया हुआ, बिना बताए कोई भी कार्य नहीं करना है, आप ये सोचते थे कि ये नियम ही है। लेकिन जब आप स्कूल गए होंगे, आपको टीचर ने बताया होगा कि मम्मी माता पिता की बातों को मानना हमारा कर्तव्य है। आगे समझ में? और आपने एक चीज पढ़ी होगी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा होगा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो आज आपको लगता है आप क्या हो चुके? शिक्षित हो चुके हैं। अब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप शिक्षित हो चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा, आप समझ में आ रहा होगा कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हमें कोई भी मरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आ रहे समझ में? उसी प्रकार इन विद्यालयों और कॉलेजों में, स्कूल्स और कॉलेजों में इन यूनानी शिक्षकों ने लोगों को क्या किया? शिक्षा दी। लोगों को शिक्षा देने के बाद उन शिक्षित लोगों ने अपने मन में सोचा, ठीक है, अपने अंदर ये सारे विचार लाए कि वास्तव में अभी तक हम जो जीवन जी रहे हैं ये तो एक जकड़न भरी जिंदगी है, हमें आगे स्वतंत्र रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ये हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। आगे समझ में? और इन सारी चीजों ने पुनर्जागरण को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगला कारण आप क्या लिखेंगे? अगला कारण लिख लेंगे, कस्तुंतुनिया का पतन, यह भी कारण बनता है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कस्तुंतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य या आक्रमण। अब इसके अलावा यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा यूरोप के सभी देश इस प्रथा के शिकार हो चुके थे, सामंती व्यवस्था के, चर्च व्यवस्था के बहुत ज्यादा जकड़न में आ चुके थे। लेकिन अगर हम अन्य देशों की अपेक्षा इटली की बात करें तो इटली में स्थिति थोड़ा सा सही थी। इटली में जो राज्य थे, कुछ राज्य, अगर हम इटली के उत्तर राज्यों की बात करें तो वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहे थे, वहां के शासक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहे थे और अपने अपने राज्यों को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अगर सामंती व्यवस्था की बात करें तो सामंती व्यवस्था भी इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी। कहां पर? इटली में, इटली के अन्य क्षेत्रों की, इटली के अन्य देशों की अपेक्षा। आ रहे समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इटली की राजनीतिक स्थिति भी अन्य देशों की अपेक्षा सही थी। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, राजनीतिक स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई कि उन्होंने आश्रय दिया, कि उन्होंने मध्य वर्ग ने विभिन्न विद्वानों और दार्शनिकों को आश्रय दिया। अब उन दार्शनिकों ने क्या किया? विभिन्न सारी कृतियां की, जैसे कि दांते की डिवाइन कॉमेडी,
ठीक है, पेटॉर्क, गियाटो, इन सब विद्वानों ने कई सारी रचनाएं की और इन रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और सबसे ज्यादा जो भूमिका रही थी वो थी दांते की डिवाइन कॉमेडी की। तो अगला पॉइंट आप लिख लेंगे, अगला पॉइंट आप लिख लेंगे दार्शनिकों की भूमिका। जो दांते, पेटॉर्क, ये सारे जो विद्वान थे, इनकी जन्म स्थली ही इटली थी, इस कारण इन्होंने इटली में ही सारी रचनाएं अपनी की। तो दार्शनिकों की भूमिका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने नाम ले रही हूं बार बार पोप का, ठीक है, पादरी और पोप का। पोप होता क्या था ये भी चीज देख लीजिए एक बार। पोप होता था ईसाई जगत का प्रधान, ईसाई धर्म का प्रधान हुआ करता था। ठीक है, ईसाई जगत का प्रधान हुआ करता था पोप। पोप की संख्या एक नहीं थी, पोप की संख्या कई सारी थी, अधिक थी। और ये पोप जो थे ये निवास करते थे वेटिकन में, रोम की राजधानी, सॉरी इटली की राजधानी है रोम, और रोम के वेटिकन में पोप निवास करते थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो यहां पर पॉइंट आया था, टर्निंग पॉइंट एक आया था, वो ये था कि जिस धर्म के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, जिस धर्म के खिलाफ ये सारी चीजें, ये सारी रचनाएं, ये इनका यूनानियों का यहाँ पर आकर लोगों को जागरूक करना, जिस धर्म के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही थी, अंत में जाकर इसी धर्म के कुछ लोगों ने इस चीज का साथ दे दिया था। कुछ लोगों, क्या, पोप ने, ठीक है, एक बार फिर से समझे, जिस धर्म के खिलाफ, किस धर्म के खिलाफ, ईसाई धर्म के खिलाफ, ईसाई धर्म में ये जो कुरीतियां इन्होंने डाल दी थी, पूरे ईसाई धर्म के भी खिलाफ नहीं, ईसाई धर्म में कई सारी इन्होंने कुरीतियां डाल दी थी, कुरीतियों में पोप, पादरी, सामंत, इन सब के खिलाफ, जिस धर्म के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा था, पुनर्जागरण की ये जो चेतना लाई जा रही थी, अंत में जाकर इसी धर्म के कुछ लोगों ने इस चीज का साथ भी दिया था। ठीक है, कहां पर, इटली में। तो इटली के रोम में वेटिकन सिटी में पोप का निवास हुआ करता था, ठीक है, और कई सारे पोप ने इस चीज का क्या किया, इस चीज के लिए सहायता दी, पुस्तकालयों का निर्माण कराया, संग्रहालयों का निर्माण कराया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों का क्या कराया, निर्माण कराया, जहां से लोग क्या हुए, और ज्यादा जागरूक हुए, लोग अपनी आवाज भी उठाने लगे थे धीरे धीरे करके। और जो सबसे ज्यादा साथ दिया था, सबसे ज्यादा जिस पोप ने साथ दिया, अच्छा कार्य किया, वो था पोप निकोलस पंचम, निकोलस पंचम, या निकोलस पंचम, पोप पंचम निकोलस, ठीक है। इसने क्या किया, वेटिकन में एक काफी विशाल वेटिकन पुस्तकालय का निर्माण कराया था। आगे समझ में, तो अगला पॉइंट आप क्या डालेंगे, यहां पर डाल देती हूं मैं, पोप का योगदान, पोप का योगदान, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि आखिर इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण की चेतना क्यों आई, इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, और यहीं से क्यों अन्य देशों में गई। तो इतनी सारी चीजें थी, अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।